लहू बांट रहे थे कुछ लोग बेजुबानों को, देखकर जख्म उनके हम मरहम उठा लिए। लहू बांट रहे थे कुछ लोग बेजुबानों को, देखकर जख्म उनके हम मरहम उठा लिए। जो जोरावर थे वो तलवार ढूंढते रह गए, हम बुजदिल थे यार कलम उठा लिए। आप सभी का आदाब, मेरा नाम राजन कुमार संजीवनी है, मैं गांव का रहने वाला हूं। फिलहाल दो शेर सुनिएगा कि अपने शायर से दूर होने पर अक्सर कितना दर्द में ये दिल होता है। अपने शायर से दूर होने पर अक्सर कितना दर्द में ये दिल होता है। आया शहर बढ़ी जिम्मेदारी आ तो पता चला एक पिता बनना कितना मुश्किल होता है, एक माँ बनना। मैं गांव का रहने वाला हूँ, जो महसूस किया है उस चीज को अपने कविता में डालने का प्रयास किया है। और मेरी कविता का उन्मान है, कम्बख्त गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। एक बार तू चख ले खून किसी गरीब का तो उसका सब कुछ लेके चली जाती है। एक बार जो चख ले तो खून किसी गरीब का तो उसका सब कुछ लेके चली जाती है। बेशर्म गरीबी एक बात बता, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है। कमबख्त गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। एक बार जिसके गले मिल ली फिर दोबारा नहीं मिलूंगी, तू ये कसम क्यों नहीं खा लेती है। एक बार जिसके गले मिल ली फिर दोबारा नहीं मिलूंगी, तू ये कसम क्यों नहीं खा लेती है। तेरे कारण लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, अरे बेशर्म गरीबी तू जहर क्यों नहीं खा लेती है। बात बता दूंगी तुझे शर्म क्यों नहीं आता है। तेरे कारण न जाने कितने माँ बाप कर्ज तले डूब जाते हैं, तेरे ही कारण न जाने कितनी कन्याओं को जला दी जाती है दहेज प्रथा। तेरे कारण न जाने कितने माँ बाप कर्ज तले डूब जाते हैं, तेरे ही कारण न जाने कितनी कन्याओं को जला दी जाती है। अरे बेहाया गरीबी तू हमेशा के लिए कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती। माँ बाप लाख कोशिश करता है पढ़ाने को अपने औलाद को, लेकिन तू उनके हाथों में कॉपी किताब की जगह छेनी हथौड़ा थमा जाती है। माँ बाप लाख कोशिश करता है पढ़ाने को अपने औलाद को, लेकिन तू उनके हाथों में कॉपी किताब की जगह छेनी हथौड़ा थमा जाती है। अरे मनहूस गरीबी तू हमेशा के लिए नजरों से दूर क्यों नहीं चली जाती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती। गाँव के उन अन्य मुन्ने बच्चों के सपने अपने पैरों तले कुचल कर लाकर ठेस उनके मन को, तू फिर भी मुस्कुराती है। गांव के उन अन्य मुने बच्चों के सपने अपने पैरों तले कुचल कर लाकर ठेस उनके मन को, तो फिर भी मुस्कुराती है। अरे निदर्दी उन मनहूस बच्चों को देख कर तुझे जरा भी तरस नहीं आती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। कमबख्त गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। उन कोमल हाथों को देख जिससे फूल भी चोट खा जाए। उन अक्सर हमने देखे हैं गाँव में जो चिमनिया में जो औरत जो काम करती है बच्चों के साथ लेकर, उस लाइन को हम डालने का प्रयास किया है कि उन कोमल हाथों को देख जिससे फूल भी चोट खा जाए, तेरे नहीं छोड़ने के कारण वो पीठ पर बच्चों के साथ साथ ईंट भी धोती है। और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, ये गीत उनके साथ तू बार बार क्यों गुनगुनाती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती। जिसके सर पर आसमान नहीं रहने को नीचे जमीन नहीं, जिसके सर पे आसमान नहीं रहने को नीचे जमीन नहीं, तुझे पता है तूने हर मौसम में तड़पाती है। और एक खुदा इस गरीबी को गरीबी क्यों नहीं आती है। कमबख्त गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती। पाले इस गरीबी से छुटकारा हमेशा के लिए, पाले गरीबी से छुटकारा ये हमेशा के लिए, ऐ परवरदिगार ऐसी दवा क्यों नहीं आती है। और 70 सालों से लगी है सियासत इसे जड़ सुखाड़ फेंकने में, 70 सालों से लगी है सियासत इसे जड़ सुखाड़ फेंकने में, और ये है कि सियासत को ही उखाड़ फेंकती है। और बढ़ाने के लिए हौसला अपना ये महंगाई से नाता जोड़ जाती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। कमबख्त गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। और देख अमीरों से अमीरों का कितना खास होता है, देख अमीरों से अमीरों का कितना खास होता है, तू तो आकर अमीरों से गरीबों का रिश्ता तोड़ देती है। देख अमीरों से अमीरों का कितना खास होता है, तू तो आकर अमीरों से गरीबों का रिश्ता तोड़ देती है। और तू तो देती है बिन मांगे ऐसा हुनर कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख जाती है। नाजुक पांव भी बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती है। और हद होती है हर चीज की, तू हद में क्यों नहीं आती है। हद होती है हर चीज की, तू हद में क्यों नहीं आती है। और दिन पर दिन जवां होते जा रही है, तू ये संजीवनी कहां से लाती है। अरे बेशर्म गरीबी तुझे हमेशा के लिए नींद क्यों नहीं आती है। एक बात बता गरीबी तुझे मौत क्यों नहीं आती। और एक अपने वास्तविक घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। उसको लाइनों में डाला है कि लोगों में कानाफूसी चल रही थी कि ये खाकर मरा है वो खाकर मरा है। लोगों में कानाफूसी चल रही थी कि ये खाकर मरा है वो खाकर मरा है, जबकि किसान भूखा मरा था। जबकि किसान भूखा मरा था। और
सुना था कि उसकी आंखों से बारिश हो रहे थे सुना था उसकी आंखों से बारिश हो रहे थे जबकि वो शख्स प्यासा मरा था और आस लगाए बैठा था कि अब फसल अच्छी होगी अब की उसकी यकीनन वो बाद में पहले उसकी भरोसा मरा था पहले उसका भरोसा मरा था और लास्ट दो लाइन कहेंगे वहां पे कि पड़ोसी कह रहे थे कि किस्तों में चुकाता था कर्ज अपनी पड़ोसी कह रहा था कि किस्तों में चुकाता था कर्ज अपनी मगर ये क्या वो किस्तों में नहीं बेतहाशा मरा था वो बेतहाशा मरा था। बहुत बहुत धन्यवाद।